मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाई स्कूल क्लासेस तरफ समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी। पिले लास्ट वीडियो रे आमे चलित शिक्षा वर्ष पर प्रकाशित सौरभ टेस्ट पेपर रो मॉडल प्रैक्टिस सेट सेट सिक्स रो पार्ट वन डिस्कशन करथिले। एवं ये पार्ट वन रे आमे क्वेश्चन नंबर वन रु क्वेश्चन नंबर 20 पर्यंत डिस्कशन करथिले। आज हेउची सेट सिक्स रो पार्ट टू, एथिरे आमे क्वेश्चन नंबर 21 रु रेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। हाँ पिले माने जो माने मो चैनल रे नुवा मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हो एहा को टिके सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो एवं वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे देरी करिबानी, आसो आजिरो वीडियो टी स्टार्ट करिबा। सेट 6 सौरभ टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 21। त्रिभुज एबीसी रे ए बी सी बिंदु मानक स्थानांक यथाक्रमे 1, 2, 2, 4, 3, 5 एही त्रिभुज रो एडी एक मध्यम हेले डी बिंदु रो स्थानांक केते। एबे पिले माने देखो ए बिंदु रो स्थानांक 1, 2, बी बिंदु रो स्थानांक 2, 4, सी बिंदु रो स्थानांक 3, 5 तबे एडी होउची मध्यमा। जदि एडी मध्यम हैला तबे डी बिंदु निश्चिंत बीसी रो मध्यम बिंदु, तबे आमे डी बिंदु रो स्थानांक निर्णय करिबा, अर्थात बी सी रेखाखंड मध्य बिंदु डी बिंदु स्थानांक निर्णय करिबा। तबे एठी मध्य बिंदु स्थानांक सूत्र पकेबा उपपाद्य 2 रो अनुसिद्धांत 1 के सूत्रटि कोण ना x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तबे x1 हला 2 एवं x2 हला 3, अर्थात 2 + 3 / 2 सेपरि y1 हला 4 y2 हला 5 4 + 5 / 2 तबे केते हे गेला पिले ना 5 / 2 9 / 2 अतेब डी बिंदु रो स्थानांक हला 5 / 2 9 / 2 ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। तीनोटी बिंदु रो पिले स्थानांक देइची पचार छि त्रिभुज रो क्षेत्रफल केते वर्ग एकक। तबे लक्ष्य करो जे तीनोटी बिंदु रो स्थानांक देइची सेथरो आमे पाइ गेल जिबा x1 हला 1 y1 हला 0 x2 हला 5 y2 हला 0 x3 हला 1 y3 हला 4। तबे त्रिभुज रो क्षेत्रफल रो सूत्र पिले पकेय दबा हमरो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रो उपपाद्य 3 हाफ ऑफ एक मॉडुलस x1 होल इनटू y2 - y3 + x2 होल इनटू y3 - y1 + x3 होल इनटू y1 - y2। तबे पिले आमे x1 x2 x3 y1 y2 y3 रो मान पकाइला पारे आमे समाधान कले पाइबा हाफ ऑफ हाफ इनटू 16। तबे एहा को लघिष्ट कले पिले केते हिजबो ना 2 * 16 अतेब 8 वर्ग एकक। अतेब त्रिभुज रो क्षेत्रफल होला 8 वर्ग एकक। देखिबा केउ ऑप्शन रे 8 वर्ग एकक अछि, ऑप्शन ए हेउछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। 100 अक्ष रु 47 बिंदु रो दूरता केते। तबे पिले माने लक्ष्य करो चित्र को लक्ष्य करो ए बिंदु रो स्थानांक हला 47। तबे एई ए बिंदु टी 100 अक्ष रु केते दूर रे अछि ना आर वाई स्थानांक जति की सेति की दूर रे अछि, ठीक सेही परि जदि पचारि थांता वाई अक्ष टी ए बिंदु रु केते दूर रे अछि तार एक्स स्थानांक जति की सेति की दूर रे अछि। मन रखिलो पिले जदि कोनोसे एक बिंदु कोनोसे अक्षरु केते दूर रे पचारछि एक्स अक्ष ठारु केते दूर रे अछि ता माने तार वाई स्थानांक रहइबो, सेइ परि वाई अक्ष ठारु केते दूर रे अछि तार रहइबो एक्स स्थानांक। तनु एठारे पचारछि एक्स अक्ष ठारु केते दूर रे ता माने तार वाई स्थानांक केते ना 7। तेबे एक्स अक्षरु 7 एकक दूर रे अछि, ऑप्शन सी हेउछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। एक आयत चित्र रो तीनोटी क्रमिक शीर्ष बिंदु, प्ले प्रिंटिंग मिस्टेक अछि आयत चित्र नुह एहा हेउछि त्रिभुज। एक त्रिभुज रो तीनोटी क्रमिक शीर्ष बिंदु 4 0 0 0 05 हेले एहार क्षेत्रफल केते वर्ग एकक। एहा मध्य लक्ष्य कर पिले आमर स्थानांक ज्यामिति रो उपपाद्य 3 आमे पकेबा, तनु प्रथमे आमे लेखि दबा x1 हला 4 y1 हला 0 x2 0 y2 0 x3 0 y3 5। तबे त्रिभुज रो क्षेत्रफल रो सूत्र हाफ ऑफ मॉडुलस x1 होल इनटू y2 - y3 + x2 होल इनटू y3 - y1 + x3 होल इनटू y1 - y2। वर्तमान x1 जगह रे हमें 4 पुट कले y2 - y3 अर्थात 0 - 5
सेपरी x2 हैला 0 y3 माइनस y1 अर्थात 5 माइनस 0 x3 हैला 0 एवं y1 माइनस y2 अर्थात 0 माइनस 0 तबे लक्ष्य कर आकु समाधान करले 4 5 20 माइनस 20 ए आइटम टा 0 को प्रोडक्ट करले 0 हबो एवं एटा मध्ये 0 हि जियो तबे माइनस 20 रो पिले एब्सोल्यूट वैल्यू बा परम मान केतना 20 आकु आमे जदि लघिष्ट करबा 2 को 20 रे आमे ठी काटले पाइबा 10 वर्ग एकक अतएव उत्तर त्रिभुजर क्षेत्रफल 10 वर्ग एकक ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 निम्नोक्त केउ बिंदुटी -2 -2 थारु निकटवर्ती पिले आमे चित्र माध्यम रे बुझेबा देखो पिले देची -2 -2 ता माने हा हमर तृतीय पाद रे रहइबो -2 -2 देखिबा केउ केउ बिंदु देची गोटे देची 0 0 ता माने एई बिंदुटी मूल बिंदु बुझेला आउ को बिंदु देची पिले 0 2 पिले 0 2 बिंदुटी हमर वाई अक्ष रे रहइबो ता माने एई बिंदुटी हला 0 2 एवं आउ गोटे बिंदु देची सेई 0 2 आउ गोटे बिंदु देची 0 -2 0 -2 हेले कोठे रहइबो ना एठी रहइबो 0 -2 तबे मते कहो ए जो तीनोटी जाक बिंदु मु स्थापन कली ए तीनोटी जाक बिंदु रु केउ बिंदुटी ए रो निकटवर्ती हबो ना ए बिंदुटी अर्थात 0 -2 बुझि पाइलो पिले तनो 0 -2 बिंदुटी ए बिंदु रो निकटवर्ती हबो सो ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 गोटिए वृत्तरे एक ज्या केंद्र ठारु 8 सेमी दूर रे अवस्थित ज्यार दैर्घ्य 30 सेमी हेले वृत्तर व्यासर दैर्घ्य केते तबे पिले सहज प्रश्न देख गोटिए वृत्तरे ए बी हेला ज्या ज्यार दैर्घ्य देची 30 सेमी एवं ओ डी अर्थात दूरता ए ज्याटी वृत्तर केंद्र ठारु 8 सेमी दूर रे अछि ओ डी हेला 8 सेमी आमे कोन निर्णय करबा ना वृत्तर व्यास तेणु वर्तमान मु ओ ए को जोग कर देली प्रथमे आमे वृत्तर व्यासार्ध निर्णय करबा तापर आमे व्यास निर्णय करबा तेबे ओ डी जदि ए बी प्रति लंब हैला तेबे डी बिंदुटा ए बी रो मध्य बिंदु हबो तेबे ए डी केते हबो ना ए बी बाय 2 अर्थात 30 बाय 2 इज इक्वल टू 15 सेमी तेबे ओ डी ए गोटे समकोणी त्रिभुज आमर ए डी पाइ गेले 15 सेमी ओ डी देछि 8 सेमी तेबे ओ ए केते ना एडी रो वर्ग प्लस ओडी रो वर्ग रो रूट ओवर 15 रो वर्ग प्लस 8 रो वर्ग रो रूट ओवर 15 रो वर्ग 225 8 रो वर्ग 64 ता माने हे गला 289 रो रूट ओवर इज इक्वल टू 17 सेमी जदि व्यासार्ध 17 सेमी हैला तबे व्यास केते हबो ना 17 इनटू 2 इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर अतएव उत्तर वृत्तर व्यास 34 सेंटीमीटर ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 दत्त चित्र रे ओ वृत्तर केंद्र मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री हेले ओ पी आर केते तबे पिले माने लक्ष्य कर कोण दत्त देछि ना पी क्यू आर देछि गुटे अंकन करबा पी क्यू आर रो विपरीत चाप रे गोटी अंतस्थ बिंदु नेली एस तबे लक्ष्य कर पिले पी क्यू आर एस एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज जदि क्यू कोणटा 100 डिग्री हैला तबे एस कोणटा केते पी एस आर कोण रो परिमाण केते उपपाद्य 11 रु पिले सुस्पष्ट एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज रो विपरीत कोण गुडी को परस्पर परिपूरक तेनु मेजरमेंट ऑफ क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री तबे मेजरमेंट ऑफ एस केता बना 180 फेडाण पी क्यू आर ता माने 180 रु 100 गले 80 डिग्री तबे एक आमे एस कोणटी पाई गले पिले 80 डिग्री बुझेला जदि एस कोण 80 डिग्री हैला तबे पी ओ आर कोण केते ना प्रमेय 2.6 अनुसारे एई कोणटा जदि 80 डिग्री हैला एई कोणटा तार डबल हबो बुझेला ता माने 80 दुगुणे 160 डिग्री बुझेला तबे एई कोणटा आमे पाई गेले 160 डिग्री तबे लक्ष्य कर पले पी ओ आर त्रिभुज रे ओ पी इज इक्वल टू ओ आर काहे कि ना एका वृत्तर व्यासार्ध जदि एका वृत्तर व्यासार्ध हला तबे एई कोणटा एई कोण संगे समान बुझेला एई कोणटा जे 160 डिग्री हला तबे ओ पी आर केते हबो ना 180 - 160 / 2
अर्थात 20/2 इज इक्वल टू 10 डिग्री। समस्ते बुझिपारल पचारि ओपीआर ओपीआर है 10 डिग्री। देखा केपसन 10 डिग्री अच्छी अपसन ए हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 जदि गोटे वृत्तरे 8√2 सेमी एक ज्या केन्द्र 90 डिग्री परिमाण केन्द्रस्थ कोण सृष्टि कै तेज वृत्तर व्यास केते एकक हेब तेब पिले माने लक्ष्य कर ए बी देछि 8√2 सेंटीमीटर एवं ए ओ बी देछि 90 डिग्री। आमे जानिचे ओ इज इक्वल टू ओ बी जेतु एका वृत्तर व्यासार्धक मु एक्स सेमी नै गली तेबे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 2x² इज इक्वल टू 8√2 रो वर्ग जेहेतु ए बी देछि 8√2 तेबे एटा हेगला 8 रो वर्ग 64 √2 रो वर्ग 2 तेबे एठी 2 कैंसल हेगला तबे एक्स केते हेला पिले ना 64 रो रूट ओवर समाने 8 सेंटीमीटर। ता माने आमे वृत्तर व्यासार्ध पाई गले 8 सेंटीमीटर। तबे व्यास केते ना 8 × 16 सेंटीमीटर ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पार्श्वस्थ चित्र रे ओ वृत्तर केन्द्र ए डी सी 130 डिग्री हेले बी ए सी केते तबे पिले लक्ष्य कर आमर डी कोणटा देछि 130 डिग्री। वर्तमान मु बी सी को जोग करदेला पर आम पाइले ए बी सी डी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज ता माने डी कोण प्लस बी कोण मिसिकी केत हम 180 डिग्री आकोर्डिंग टू उपवाद्य 11 तेबे ए बी सी केत हेला ना 180 - ADC 180 - ADC हेला 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। आमे बी कोणटा 50 डिग्री पाइगले तबे लक्ष्य कर पिले ए बी जदि वृत्तर व्यास तबे मेजरमेंट ऑफ ए सी बी केत हम ना 90 डिग्री काहीकि आमे आगुरु जानिछे अर्ध वृत्तर अंतर्लिखित कोण एक समकोण तबे ए कोणटा हेगला 90 डिग्री ए कोणटा आमे केते पाइले ना 50 डिग्री तबे बी ए सी केत हम ना 180 - 90 + 50 90 + 50 हेगला 140 180 - 140 गले 40 डिग्री तेणु मेजरमेंट अफ बी ए सी है 40 डिग्री। देखा केपसन 40 डिग्री अच्छी अप्सन बी हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पार्श्वस्थ चित्र रे ओ वृत्तर केन्द्र मेजरमेंट अफ ए बी ओ इज इक्वल टू 20 डिग्री मेजरमेंट अफ ए सी ओ इज इक्वल टू 10 डिग्री हेले मेजरमेंट अफ बी ओ सी केते तबे पिले लक्ष्य कर इसे गोटे अंकन करवा ए ओ को जोग करद तबे लक्ष्य कर पिले आमर ओ ए इज इक्वल टू ओ पी एका वृत्तर व्यासार्ध जदि ए दुटा एक बाहू सामान है तार सम्मुखीन कोण कौन हम सामान ता मैंने ए बी ओ इज इक्वल टू मेजरमेंट अफ बी ए ओ 20 डिग्री ये कोणटा जदि 20 डिग्री देसी तबे ए कोणटा पाइगले आम 20 डिग्री। ठीक से हीपरि लक्ष्य कर पिले ओ एटा ओ सी संगे सामान बुझेगा तेणु आमर को कोण 10 डिग्री देसी ना एसीओ यही कोणटा जदि 10 डिग्री देसी तबे ए कोणटा केत हबो ना 10 डिग्री बुझेगा तबे ए कोणटा 20 डिग्री ए कोणटा 10 डिग्री तबे बी ए सी केते हेगला ना बी ए सी हेगला 20 + 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री तबे पचारिछि बी ओ सी केते तबे प्रमेय 2.6 अनुसारे मेजरमेंट अफ बी ओ सी हबो 2 ऑफ मेजरमेंट अफ बी ए सी अर्थात बी ए सी रो 2 गुण अर्थात 2 × 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री तेणु मेजरमेंट अफ बी ओ सी है 60 डिग्री ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 दत्त वृत्तर केन्द्र ओ पी ए पी बी 2 स्पर्शक खंड ओ ए 5 सेमी मेजरमेंट अफ ए ओ बी 120 डिग्री तबे पी ए केते सुंदर प्रश्न टे बुझे चेष्टा कर यही कोणटा ए ओ बी देछि केते ना 120 डिग्री ओ ए देछि 5 सेंटीमीटर पचारिछि पी ए केते तबे पिले लक्ष्य कर आमे जानिछे ए ओ पी एवं बी ओ पी दुटा जाक त्रिभुज सर्वसम ता माने ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ पी मेजरमेंट अफ ए ओ बी केते देछि 120 डिग्री तबे मेजरमेंट अफ ए ओ पी केत हबो ना 120/2 समान 60 डिग्री। अच्छा ओ एटा एपी प्रति लंब उपवाद्य 12 सुस्पष्ट तेणु ओ एपी गोटे समकोणी त्रिभुज हला एवं ए ओ पी हला 60 डिग्री बुझेगा से चित्रटा को अलग कर लक्ष्य कर ये कोणटा दे 60 डिग्री
तेबे को बाहुटा देछि ना ओए देछि केते ना 5 सेमी पचारिछि पीए तेबे एही कोणटा जेतले आमे थीटा नबा ओए हि जिवो भूमि एपी हि जिवो उच्चता तेबे आमर भूमिर दैर्घ्य दत्त अछि आमे उच्चतार दैर्घ्य निर्णय करबा तेनो एठे आमे tan 60 नबा tan 60 इज इक्वल टू लंब बाय भूमि तेनो लंब किए एठे बा उच्चता किए ना पीए पीए बाय ओए tan 60 रो मूल्य हला √3 तेनो √3 इज इक्वल टू पीए बाय ओए हला 5 तेनो पीए पाइले केते पिले 5√3 सेंटीमीटर तेनो पचार थिला स्पर्शक खंड पीए 5√3 सेंटीमीटर ऑप्शन ए हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 त्रिभुज एबीसी रो परिकेंद्र ओ हेले बीएसी प्लस ओबीसी केते तबे पिले माने लक्ष्य करो एबीसी परिवृत्तर केंद्र बिंदु होउची ओ एवं त्रिभुजर अंतस्थ बिंदु ता माने एबीसी गोटिए सूक्ष्मकोणी त्रिभुज तेनो आमर अनुशूलनी 2b रो 17 नंबर आई अनुसारे बीएसी प्लस ओबीसी केते हबो ना गोटे समकोण हबो अर्थात 90 डिग्री। भलो भाबरे मन रख जदि एटा स्थूलकोणी त्रिभुज होइथांदा तेबे एमानकर वियोग फल 90 डिग्री होइथांदा सूक्ष्मकोणी त्रिभुज रे ए दुईटी जाक कोणर जोग फल होची 90 डिग्री बुझेला तेनो एठे आंसर हबो 90 डिग्री ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पार्श्वस्थ चित्र रे वृत्तद्वयर केंद्र ए ओ बी एवं एक्स स्पर्श बिंदु पी क्यू स्पर्शक एस वन वृत्तर व्यासार्ध कैपिटल आर एस टू वृत्तर व्यासार्ध स्मॉल आर हेले पी क्यू रो दैर्घ्य केते पचारिछे पी क्यू रो दैर्घ्य पिले हा गोटे बेसिक कनसेप्ट आमर एग्जाम्पल रही मन रख पी क्यू रो दैर्घ्य हम टू अफ प्रथम वृत्तर व्यासार्ध इंटू द्वितीय वृत्तर व्यासार्ध रूट ओवर बुझेगा तो मैंने यार आंसर हम टू अफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर रूट ओवर सो ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। नंबर 34 दत्त चित्र रे क्यूपीआर त्रिभुजर अंतःवृत्त एस पीएम 4 सेंटीमीटर आरएल 5 सेंटीमीटर क्यूएन 6 सेंटीमीटर हेले त्रिभुज पीक्यूआर रो परिसीमा केते पिले टिके भूल एठी लेखिछि प्रिंटिंग मिस्टेक करछि क्यूएन क्यूएन नहो सेटा होछि क्यूएल बुझेला पिले क्यूएल हेला 6 सेंटीमीटर तबे एहा सहज प्रश्न आमको मन रखिया पड़िबो जे पीक्यूआर त्रिभुजर परिसीमा हबो 2 अफ पीएम प्लस आरएल प्लस क्यूएल तनो 2 पीएम हला 4 आरएल हला 5 क्यूएल हला 6 तनो ए तीनोट रो जोगफल हला 15 तनो 2 इनटू 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पीक्यूआर त्रिभुजर परिसीमा हला 30 सेंटीमीटर ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 परस्पर बहिस्थ होइथिबा दुईटी अणछेदी वृत्तर मोट सरल साधारण स्पर्शक संख्या केते तबे पिले माने लक्ष्य कर एस वन ओ एस टू परस्पर बहिस्थ एवं अणछेदी वृत्त यार पचारि सरल साधारण स्पर्शक तेणु यार सरल साधारण स्पर्शक संख्या हम दुई पिले ऊपर गोटे हम तले गोटे हम बुझेला तीर्जक हम दीटा सरल साधारण स्पर्शक संख्या है दुई प्रश्न पचार सरल साधारण स्पर्शक उत्तर हम दुई ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर।